উষা ম্যাডাম বলুন। আচ্ছা আপনার এই একটা টিনিটাসও হতো না, সাউন্ড হতো, সাউন্ডটা আবি কমেছে একটু না? কম তো হুয়া। আচ্ছা আপনার একটা কানে কম শুনতেন আপনি, তো রোগটার নাম ছিল স্টেপিডিয়াল ওটোস্কলোসিস বলেছিলাম, তার সাথে বলেছিলাম যে এটা অপারেশনটা মেন ট্রিটমেন্ট লেজার সার্জারি করবো, আর তার সঙ্গে আপনি যদি ইন্টারেস্টেড না হন হিয়ারিংয়ে লাগাতে পারেন। আচ্ছা আপনার হিয়ারিংয়ের এক্সপিরিয়েন্স কি আগে, যে হিয়ারিংয়ে লাগিয়েছিলেন কিছুদিন? वो तो जस्ट मैंने कुछ टाइम के लिए ट्राई किया था डॉक्टर, मतलब द थिंग इज यू फील लाइक वो क्या ना जैसे एक माइक्रोफोन जैसा यूज कर रहे हैं, हाँ उस तरह का वो फीलिंग था, नॉट रियली ऑब्वियसली सैटिस्फाइंग, और एक तरह से वो कान में लगा हुआ दैट इज मोर डिस्टर्बिंग काइंड ऑफ, यू डोंट लाइक टू पुट इट ऑल द टाइम ऑब्वियस रीजन, सो दैट वॉज लाइक कि कुछ टाइम मैं ट्राई कर रही थी, बट थैंकफुली जब मैंने एक बार वो अपना ऑडियोमेट्री टेस्ट करवाया था तब वहाँ पे उस बंदे ने बोला कि व्हाई डोंट यू गेट अ चेकअप, एक बार चेक करूँ अभी बहुत एडवांस, इट कैन बी बेटर, ही सजेस्टेड मी, तो आई थॉट टू गो, मैंने गूगल में बहुत सारे सर्चेस किए थे, तो आपका ऑब्वियसली मैंने उसी से उसी के थ्रू आई यहाँ पे, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई टुक दिस डिसीजन, बिकॉज उसके बाद ही मेरे को ये चेंज दिखा। मैं सर्जरी के अगेंस्ट हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट देन जब डॉक्टर रेड्डी से भी मिली, डॉक्टर रेड्डी ऑल्सो टोल मी कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सर्जरी के लिए जाओ या फिर हियरिंग एड। ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गया हियरिंग एड, एग्जैक्टली, ओनली 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 ऑप्शन था सर्जरी, यस यस, सो आई सेड ओके आई विल टेक दैट चांस नाउ, एंड व्हेन आई स्पोक टू यू मीन्स बोलते ना कि एक बार आप डॉक्टर से बात करो वे यू गेट दैट कॉन्फिडेंस, इफ द डॉक्टर इज इटसेल्फ सो कॉन्फिडेंट टू से कि यू नो कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो लाइक 50-50 चांसेस, बिफोर दिस जब भी कोई डॉक्टर के पास जाती थी मैं तो दे वर लाइक यू नो 50-50 चांसेस है, हु विल टेक दैट रिस्क कि मैं सुन ही ना पाऊँ, उससे अच्छा जो सुन रही हूँ वो बेटर है, बट देन आई थॉट जब आपसे कोई भी बोल रहा नहीं, फिर आपने एक बार भी नहीं बोला, इनफैक्ट यू गेव मी दैट यू नो फुल कॉन्फिडेंस इन मी सेल्फ कि ये ठीक हो जाएगा, इसमें कोई है ही नहीं कुछ बात। आज भी किया बेसिकली स्टेप, वो और रोज ही करता है, पर हमें सोचता ही नहीं है कोई भी फेलियर होगा बेसिकली, मालूम नहीं गॉड भी है, नाम से ही सबको टेंशन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पर हम सोचता ही नहीं कोई भी फेलियर का चांस ही है बेसिकली, वही दैट कॉन्फिडेंस इन यू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस इन मी एक्चुअली। अभी कैसे लगा बोलो, कॉन्फिडेंस लेवल आपको ऑफिस में क्या हो गया? मतलब ऑफिस में भी आई यूज्ड टू हैव सम इश्यूज, थोड़ा प्रॉब्लम्स होने लगे थे मुझे, तो इसी के कारण यू नो आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ कि क्या करना है, तो फिर देन बट ये अब करने के बाद नाउ ऑफिस में भी आई फील वेरी गुड, क्योंकि आई एम एबल टू हियर एवरीथिंग प्रॉपरली एंड आई एम एबल टू डू माय वर्क बेटर, कॉन वेरी गुड क्योंकि आई एम एबल टू ऑफिस, देखो ये सब लाइफ चेंजिंग डिसीजन है बेसिकली ना, ये कंट्रोल है, या देखो इट हियरिंग के लिए लाइफ ही चेंज हो जाता है ना एकदम, आई एग्री विद दैट, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू यू डॉक्टर।